से सेवा की ओर इस ध्येय के साथ शिक्षा के मंच पर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान प्रस्तुत करते हैं ज्ञान सुधा। ज्ञान सुधा कार्यक्रम का उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, उनमें प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन का संचार करना है। जीवन में हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी में सफलता के मंत्रों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भी प्रत्येक बुधवार व शनिवार को लाइव सेशन के माध्यम से आपके सामने हाजिर होते हैं सफलता के एक नए मंत्र के साथ। आज कार्यक्रम के 29वें सेशन सामान्य ज्ञान में हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं भारतीय राजनीति की गतिशीलता के बारे में। आज के हमारे मार्गदर्शक वक्ता हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल। आप राजनीति विज्ञान में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज के कार्यक्रम की मॉडरेटर के रूप में कॉलेज शिक्षा विभाग से मैं डॉक्टर ललिता यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम सामान्य ज्ञान के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या हम यह कहें कि उस टॉपिक को पूरा पढ़ने के लिए, उसका गहन अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारी पुस्तकों की, समाचार पत्रों की और रीडिंग मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। और आज हमारे साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन है लक्ष्मी नारायण जी, वो इस विषय पर अपनी एक पकड़ रखते हैं, एक महारत हासिल कर रखी है उन्होंने। यदि मैं कहूँ कि बहुत कम समय में हम लोगों की कोशिश होगी कि गागर में सागर भरने की हम बात करेंगे, कि जितना भी समय मिला है, जो भी हमारे पास आज समय है, उसमें हम लक्ष्मी नारायण जी से आज के विषय पे बहुत ज्यादा जानकारियां प्राप्त करें। सर, एक बार आपका और हमारे दर्शकों का पुनः हमारे ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम हमारी चर्चा को आगे धन्यवाद बढ़ाते ललिता हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सुधा कार्यक्रम का, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, डायरेक्टर की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे लाइव सेशन के लिए आमंत्रित किया। पुनः हार्टली थैंक्स जी। थैंक यू सर। सर, जैसे कि आज जो हमारा विषय है भारतीय संविधान एवं भारतीय राजनीति की गतिशीलता, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस विषय की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपादेयता है, तो किन किन परीक्षाओं के लिए यह विषय बहुत ही प्रासंगिक है, इस विषय में सर थोड़ा प्रकाश डालें। मैम, हम ऐसा करते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान और राजनीति की जो गतिशीलता है उसकी उपादेयता क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कहाँ कहाँ ये यूज होता है भारतीय संविधान, तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहले इसकी हम उपयोगिता देखते हैं कि भारतीय संविधान है, इसकी उपयोगिता क्या है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। मैम, आमतौर पर तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेजर माने जाते हैं, बेसिक माने जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जब हम बात करें लैंग्वेज की, मैथ्स की या रीजनिंग की, तो इस पार्ट को हम अलग छोड़ दें तो तीन ह्यूमैनिटीज के ऐसे सब्जेक्ट हैं जो महत्वपूर्ण है। पर अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की हम चर्चा करें तो ये बहुत बड़ा वाइड एस्पेक्ट होता है इनका, फिर ये वर्ल्ड लेवल की, इंडिया लेवल की या स्टेट लेवल की अपने ऊपर पढ़नी पड़ती है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करें और पॉइंट ऑफ व्यू देखें उसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं का, तब हमें सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ही फोकस करना होता है। तो भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति है और भारतीय राजनीति की जो संस्थाएं हैं, ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस से लेके और नीचे हम कांस्टेबल की, इसकी पुलिस कांस्टेबल की तक की चर्चा करें, तो ये अत्यंत उपयोगी विषय है और इतना ये साइंटिफिक है और इसका जो सिलेबस है वो बड़ा निश्चित सा होता है। ये नहीं है कि आपको वर्ल्ड लेवल की पॉलिटी भी, आपको इंडियन लेवल और स्टेट लेवल, ऐसा इनका बंटवारा नहीं होता। आमतौर के ऊपर हम भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान की इसके तहत चर्चा करते हैं। तो जहां तक आपने उपयोगिता का पूछा, तो मैंने कहा कि भारतीय राजनीति और संविधान वाला जो पोर्शन है वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी ये रिलेवेंट कितना है, किन किन परीक्षाओं में ये जो टॉपिक्स हैं ये काम आते हैं, ये विषय कहाँ कहाँ काम आता है, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो परीक्षा आईएएस की हो, चाहे वो परीक्षा आरएस की हो, चाहे वो एसएससी जो बहुत सारे एग्जाम्स लेती है वो परीक्षाएं हो, चाहे वो एनडी और सीडीएस के एग्जाम्स हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्जाम हो,
चाहे वो पीएससी के विभिन्न एग्जाम्स हो, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम जो इंडिया में कंडक्ट होता और किसी भी पद के लिए होता है छोटा हो। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस, भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन उसमें जरूर पूछे जाते हैं। इसके बगैर आपका कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी का जो मेड्यूल है वो पूर्ण नहीं होता जब तक आप भारतीय संविधान तैयार नहीं कर लेते। भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति की गतिशीलता की विषय वस्तु क्या है? देखिए, जब हम भारतीय संविधान की चर्चा करें कि इसके तहत हम किस विषय वस्तु को शामिल करते हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें भारतीय संविधान के तहत पढ़ने होते हैं, तो मैम अपन ऐसा करते हैं कि जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, जो सारे प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी हैं या जो भी देख रहे हैं, कि हम पूरे भारतीय जो संविधान है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक है इंडियन फिलोसॉफी वाला पार्ट, या जो भारतीय संविधान का दर्शन है, सॉरी भारतीय संविधान का दर्शन है उसको अलग ले लेते हैं, और इसकी संस्थाएं हैं उसको अलग ले लेते हैं। तो जब हम दर्शन की चर्चा करते हैं तो हम शुरुआत कर देते हैं कि जो भारतीय संविधान का जो निर्माण आरंभ हुआ, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट से शुरू हुआ, अंग्रेजों के यहां से शुरू हुआ, और करते करते हम 1947 तक आए और हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उस तक हम आए, और उसके बाद हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, भारतीय संविधान सभा बनाई, जिसने फिर भारतीय संविधान का निर्माण किया। इस दौरान क्या बहस चली, कौन कौन से मुख्य वक्ता थे, किस व्यक्ति की भूमिका क्या थी, नेहरू की भूमिका, अम्बेडकर की भूमिका, पटेल की भूमिका, इन सब की, आजाद की भूमिका क्या थी, ये सब भूमिकाएं देखनी होती है। उसके बाद भारतीय संविधान अब निर्मित हो गया है, तो उसके बाद जो भारतीय संविधान का दर्शन है उस दर्शन के तहत हमें इसकी प्रस्तावना देखनी होती है। प्रस्तावना के बाद जो मूल अधिकार है वो देखने होते हैं, मूल कर्तव्य देखने होते हैं, और नीति निर्देशक तत्व तो देखने होते हैं। तो एक ये पूरा पोर्शन है जिसको हम कहते हैं ये भारतीय संविधान का दर्शन। दूसरी तरफ हम संस्थाओं की चर्चा करते हैं, भारतीय सरकार जिसको हम कई बार बोल देते हैं, ये वो संस्थाएं हैं जो भारतीय राजनीति का संचालन करती है। तो उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो संविधान में वर्णित है कि वास्तव में ये काम करेंगी कैसे। तो उसके तहत फिर हम सरकार के विभिन्न भाग देखते हैं, चाहे गवर्नमेंट का वो लेजिस्लेचर वाला पार्ट हो जिसको हम संसद के तहत, पार्लियामेंट के तहत पढ़ते हैं, चाहे फिर वो एग्जीक्यूट पार्ट हो जिसके तहत हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को देखते हैं, या फिर हम जुडिशरी के तहत हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, फिर वैसे ही हम स्टेट में आ जाते हैं, ऐसी फिर स्टेट की जो गवर्नमेंट है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, चाहे वो फिर चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, SC ST का आयोग हो, OBC कमीशन हो, ये सारी संस्थाएं हम पढ़ते हैं। तो हम भारतीय संविधान की जो विषय वस्तु की चर्चा करें तो दर्शन एक अलग पोर्शन है और संस्थाएं एक अलग पार्ट है। तो हम संविधान के तहत इन मुद्दों को अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, और क्या समय के साथ उस प्रकृति में कोई परिवर्तन आया है, कोई बदलाव आया है? अगर हम भारतीय संविधान और राजनीति से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की नेचर को देखें तो हम उस नेचर को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक बार बड़ा पड़ा। एक इनमें से एक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें सीधे आपसे तथ्य पूछे जाते हैं, जहां आपकी रटंत विद्या कई बार बड़ी काम आती है, जैसे सीधा ही पूछ लिया कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 99वां संविधान संशोधन कब हुआ, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऐसे कई बार सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सीधे कोई अनुच्छेद का पूछ लिया कि वित्त आयोग आपके कौन से अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में है, जो IAS की जो सेवा सुरक्षा है वो किस अनुच्छेद में। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो तथ्यात्मक होते हैं। तो मैंने कहा एक पूरा पोर्शन होता है जो फैक्चुअल क्वेश्चंस को लेके होता है, दूसरा इसकी जो नेचर है वो कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल का तात्पर्य अब आपको अगर समझ होगी तो ही आप उस पोर्शन को कर पाएंगे, अगर आपकी समझ विकसित नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ा है और सिर्फ रटंत्र विद्या के तहत आप आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे हम चर्चा करें कि अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, तो सीधा ही पूछा जाता है कि आखिर क्या डिफरेंस आ गया है योजना आयोग में और नीति आयोग में। अभी पैनाडेमिक वाई कि कोविड आया, इस कोविड के बाद केंद्र और राज्य के संबंधों में क्या परिवर्तन आ गए हैं। हम आज तक पढ़ते आए हैं, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना, भारत और नेपाल,
भारत और भूटान, इन सब विभिन्न देशों के मध्य हमने बॉर्डर के मुद्दे तो देखे, लेकिन आज राज्य भी लड़ने लगे हैं आपस में। अभी असम का और मेघालय का, असम का और मणिपुर का, केरल का और कर्नाटक का, चंडीगढ़ को लेके हरियाणा और पंजाब का, ये सब कॉन्फ्लिक्ट भी, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे। तो भारतीय संविधान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो विभिन्न राज्यों के मध्य होते हैं उनके बारे में क्या कहता है, तो ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी, सिर्फ तथ्यों के आधारित प्रश्न नहीं है ये, आखिर क्यों लड़ते हैं असम और दूसरे राज्य में सीमाओं को लेके, आखिर क्या ऐसा आपसी प्रेम है चंडीगढ़ को लेके, विभिन्न दोनों देशों दोनों राज्य है हरियाणा और पंजाब उनके नागरिकों का, कि वो चंडीगढ़ को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों कसरगौड़ा को लेके केरल और कर्नाटक के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। तो इन मुद्दों को, ये समझ आधारित मुद्दे हैं, ये नहीं है कि आपने अगर संविधान पढ़ दिया तो इन मुद्दों की समझ पैदा हो जाएगी। इन मुद्दों की अगर आपको समझ पैदा करनी है तो आपको ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाना होगा, कौन से आर्थिक तत्व है, कौन से सामाजिक तत्व है, कौन से जातीय तत्व है, कौन से निर्जातीय तत्व है जो इन मुद्दों को प्रभावित करते हैं। तो मैंने कहा ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो समझ आधारित होते हैं। तो मैं फिर आपके क्वेश्चन पे आऊं, आपने मुझसे पूछा कि अच्छी इनकी प्रकृति क्या है, तो मैंने कहा भारतीय संविधान और राजनीति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक फैक्चुअल होते हैं, दूसरे कंसेप्चुअल होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन था कि क्या प्रकृति में बदलाव आए हैं, क्या जो पुराना ट्रेंड था और जो क्वेश्चंस का नया ट्रेंड है उनमें क्या है। तो मैं आपसे ये भी कहूं, जो मुझसे सुन रहे हैं जो प्रतिभागी, कि अब कंसेप्चुअल वाला जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो फैक्चुअल था जहां आप तथ्य रटा करते थे हम, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने 395 अनुच्छेद याद कर लिए, भारतीय संविधान के सारे भाग रट लिए, भारतीय संविधान की सारी अनुसूचियां रट ली, ये तो ना कोई कर सकता है। होता क्या नहीं है, नया आज जो कंसेप्ट आए हैं और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ये उम्मीद ये की जाती है कि आपको भारतीय राजनीति की व्यवहारिक समझ हो, भारतीय राजनीति को व्यक्ति कैसे प्रभावित करता है, भारतीय राजनीति को जाति कैसे प्रभावित करती है, भारतीय राजनीति को धर्म कैसे प्रभावित करता है, भारतीय राजनीति को जेंडर कैसे प्रभावित करता है। जब तक हमें इन मुद्दों की समझ नहीं होगी, हम जो नया जो नेचर आई है क्वेश्चन की, इनको सॉल्व नहीं कर पाए। उनकी शक्तियां पढ़ ली, उनके कार्य पढ़ लिए। वर्तमान में ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति ने ये चुनाव क्यों जीता, आखिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध चलते चलते कई बार खराब क्यों हो जाते हैं, हमें इनकी भी समझ होनी चाहिए। आखिर क्यों राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के राजीव गांधी के साथ संबंध खराब हो गए, अच्छे से चलते चलते संबंध आखिर क्यों खराब हो गए, आखिर क्यों है जो प्रधानमंत्री गठबंधनात्मक सरकारों में कमजोर हो जाते हैं, प्रधानमंत्री वही है, उनकी शक्तियां वही है, लेकिन जब हम उसको व्यवहार में समझने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री का पद है और उसकी शक्तियां के पास है, नरेंद्र मोदी उन शक्तियों में कुछ बढ़ के भी है। तो संविधान आज बच गया है जो कि लिखित रूप में है और सांकेतिक रूप में है, संविधान वो है कि आप व्यवहार में उसको कैसे लागू कर रहे हैं। तो ये कंसेप्चुअल वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आने लगा है आजकल, भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों परिवर्तन हो रहे हैं, करंट के मुद्दे क्या हैं, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आने लगे। तो वास्तव में नेचर बदल गई है, अब आप फैक्ट्स की बजाय आप उन मुद्दों की समझ विकसित कीजिए, ये नया नेचर आया है क्वेश्चन का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो आज के हमारे विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और अगर से बात करें कि जो साइंस साइड के हैं या जो आर्ट्स वाले हैं, तो आर्ट्स के जो विद्यार्थी होते हैं वो फैमिलियर होते हैं भारतीय संविधान, या जिनके पास पॉलिटिकल साइंस होती है वो अवेयर होते हैं भारतीय संविधान से, उनकी विशेषताओं से। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है या जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, और यदि वो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो सर ऐसे हमारे विद्यार्थियों को आप ये बताएं कि भारतीय संविधान की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रतियोगी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या भारतीय संविधान की किन विशेषताओं का ज्यादा ध्यान करना चाहिए। जब अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की जब अपन बात करें, तो जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं या जो कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं, उनकी ये जरूर माना जाता है कि उनका जो संविधान वाला पोर्शन है वो थोड़ा वीक होता है। बड़ी मजाक सी लगती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं, जब उनसे साइंस वाले पूछते हैं
कि देखिए प्रधानमंत्री जो भारतीय प्रधानमंत्री है वो एक संसद का पार्ट भी है, भारत इंडियन पार्लियामेंट का भी पार्ट है, और वो ही है वो इसका एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। तो एक ही व्यक्ति लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में कैसे हो सकता है? उनसे बड़ी दिक्कत आती है, उनकी शब्दावली बड़ी प्रभावित वो उनको वो कंफ्यूज करती है कि ये विधानसभा क्या होती है, जी, विधानमंडल क्या होता है, परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये शाब्दिक हेर फेर उनके शुरुआत में बड़ी दिक्कत पैदा करती है। फिर कभी कभी उनको राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री ये भी आपस में गड़बड़ होने लगते हैं। पर अगर आप थोड़े से समय वो पढ़ते हैं और धैर्य पूर्वक देखें, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, वो साइंटिफिक तरीके से अगर उसको पढ़ना शुरू करता है, भारतीय संविधान को समझना शुरू करता है, तो मैं ये मानता हूं कि वो महीने भर में बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उनको समझ जाएगा। कोई भी इस बैकग्राउंड का व्यक्ति जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड का है, वो अगर भारतीय संविधान को शुरू करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले एक हल्की फुल्की सी ऐसी किताब लेनी चाहिए जो सिर्फ एक फ्रेम के बारे में बताती है, भारतीय संविधान का फ्रेम क्या है, और कुछ शब्दावली उसी दौरान उसकी तैयार हो जाती है, और उसके बाद वो जो और गंभीर किताबें हैं और जो गतिशीलता है उसके बारे में पढ़ सकता है। लेकिन शुरुआत उसको एक फ्रेम से करनी होगी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, वो कैसे हैं, उनके नाम क्या हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, ये कैसे जोड़े गए, और ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका मूल कर्तव्य, इनके मूल अधिकारों के साथ संबंध क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, ये कहाँ से आए, तो शुरुआत में उसको फैक्ट्स करने होंगे। साइंस वालों के ये थोड़े से आनंद होते हैं कि उनके फैक्ट्स ना बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो ये जो फैक्ट्स वाला पार्ट है ये साइंस और कॉमर्स वाले बहुत जल्दी से तैयार कर लेते हैं। अब तब आती है जब उनको बिहेवियरल पोर्शन तैयार करना होता है, जब उनको ये देखना होता है कि भारतीय राजनीति में परिवर्तन कैसे होते हैं, कैसे जेंडर के मुद्दे हावी हो जाते हैं, कैसे चलते चलते मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जो किसान जातियां कैसे राजनीति में हावी हो जाती है, कैसे जैसे बसपा का उभार होता है, कांशीराम जी आते हैं, मायावती आती है, तो कैसे फिर दलित राजनीति वो भारतीय राजनीति में हावी होने लगती है, कैसे धीरे धीरे दलितों को, आदिवासियों को और इनको अन्य पिछड़े वर्गों को ये कांग्रेस से दूर होने लगते हैं, कैसे कांग्रेस उनको वापस लाने की कोशिश करती है, ये सारी सोशल इंजीनियरिंग होती कैसे है, तो इसके लिए ना फिर उनको वायदा में पढ़ना होता है, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर से पढ़ें, चाहे वो बुक से पढ़ें, चाहे वो फिर किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ें, तब उनकी समझ विकसित होती है। थोड़ा सा दिक्कत जरूर आती है साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों के, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं। अभी जो आप बात कर रहे हो, तो सर कोई ऐसी पुस्तक जिसके अध्ययन से ये सारे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए, कोई सजेस्ट करेंगे सर आप किसी बुक के बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, अगर आपको भारतीय संविधान और राजनीति को तैयार करना है तो आप, मेरी पहली रिक्वेस्ट है सब एस्पायरेंट से, सब प्रतियोगी जो हैं तैयारी करें, वो किसी भी गाइड का सहारा नहीं ले, हजार गलतियां होती हैं।
ले। दूसरी बात आपको ये लगे ये चीज महत्वपूर्ण, उसको अंडरलाइन कर ले। तीसरी बार जब आप उसको लिखेंगे तो नोट्स हैं वो अत्यंत संक्षिप्त हो जाएंगे, और उस दौरान आपको उस टॉपिक को 3 बार आप पढ़ भी चुके हैं। तो अब राष्ट्रपति का टॉपिक आपने नोट्स बनाने से पहले 2 बार पढ़ लिया, 1 बार लिख लिया, अब आपका टॉपिक तैयार है। तो आप जब भी नोट्स बनाने तो उससे पहले ये नहीं है कि आपने टॉपिक पढ़ा है ही नहीं, उसकी समझ विकसित की नहीं है और आप नोट्स बनाने बैठ गए, तो ऐसी गलती कतई नहीं करें। दूसरा, जो नोट्स बनाते हैं उनके सामने दिक्कत क्या आती है? मैम, उसके सामने दिक्कत ये आती है कि वो ये कहते हैं कि हमें ना ये पता नहीं चलता कि क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। परिणाम क्या निकलता है कि कई बार वो हूबहू वो सारी चीजें जो पुस्तक में लिखी हुई थी वो अपने नोट्स में भी लिख लेते हैं, फिर कहते हैं मैं तो ये किताब है ये ही मेरी अपनी कॉपी में ना वो कॉपी कर ली है तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी भी जो टॉपिक है उसको 2 से 3 बार पढ़ें। जब आपको ये लगे कि अब मेरी समझ विकसित हो गई है तो उसके बाद उस टॉपिक के आप नोट्स बनाना शुरू करें। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं। अब मान लेते हैं कि आपने भारतीय राष्ट्रपति की जो चर्चा चल रही थी कि भारतीय राष्ट्रपति से रिलेटेड एक आपने पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक में से आपने नोट्स बना लिए। देखिए, अब आप दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको नई मिलेगी। तो आप काम ये करें कि आपने जैसे राष्ट्रपति के कार्य लिख लिया, राष्ट्रपति की शक्तियां लिख ली या कुछ राष्ट्रपति की योग्यताएं लिख ली, तो इनके बीच में 2-2, 3-3 लाइनें छोड़ते जाएं आप। तो कल को जब आप दूसरी बुक, एक नई बुक उसी टॉपिक के ऊपर देखेंगे तो आपको 2-4 जो भी नई चीजें मिलेगी आप उनको नोट्स में उतार लीजिए। फिर उस किताब को दोबारा पूरी उतारने की, उसके पूरे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। हर 3री 4थी 5वीं किताब आपको 1-2 लाइनें ही देती जाएगी और आपके नोट्स 4-5 पुस्तकों से फिर कंसाइल होकर और एक साथ बन जाएंगे आप। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो नोट्स बनाने का प्रोसीजर है सर, इसे 2 बातें होती हैं। एक तो आपकी लेखन, जो लेखन शैली है वो भी आपकी, उसमें भी सुधार होता है और एक आपकी समझ भी बहुत ज्यादा विकसित होती है। क्योंकि अक्सर सर आपने भी देखा होगा या मैंने भी, हम जब तैयारी करते थे और नोट्स बनाते थे तो हमारे जो नोट्स थे उनमें कई तरह के कलर से बिल्कुल अंडरलाइन हो रखा होता था, और जब हमें रिविजन करना होता था तो जस्ट उन पन्नों को जब पलटते थे तो रिकॉल हो जाता था। तो सर ये होता है कि रिवीजन, रिकॉल, ये सारी जो प्रक्रिया है ये साथ में चल जाती हैं। तो अभी हाँ जी सर, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब हम खुद लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्थायी रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो सर मुझे लगता है कि आज के हमारे जो युवा हमसे जुड़े हुए हैं उन युवाओं को मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर बेनीवाल सर जुड़े हुए हैं जिनकी राजनीति विज्ञान में बहुत अच्छी पकड़ है, और आप हमारे साथ युवा इसी कार्यक्रम में जुड़े रहिए। आपकी जो भी जिज्ञासा हो पॉलिटिकल साइंस से लेके आज के हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान एवं भारतीय राजनीति की गतिशीलता, इससे रिलेटेड आपका यदि कोई भी सवाल हो तो वो आप हमारे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी सर से हमें आगे और भी चर्चा करनी है। सर हमारे नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं कि जो आज हमारा विषय हमने चुना है कि भारतीय राजनीति की गतिशीलता, तो सर इसमें क्या अभिप्राय है और हमारे दर्शकों को इसकी उपयोगिता के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। जी मैम, जब हम डायनामिक्स की चर्चा करते हैं तो आमतौर पर अब तक जो चर्चाएं चला करती थी तो वो भारतीय संविधान की चला करती थी, जो कि एक उसका थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है। अब उसके प्रैक्टिकल जो आस्पेक्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया जाने लगा है। तो इंडियन पॉलिटी के डायनामिक्स के नाम से एक पूरा नया, एक ये मान लीजिए कि पूरा पोर्शन आ गया है, जो जितना भारतीय संविधान है उतना ही बड़ा पोर्शन वो खड़ा हो गया है बराबर में। तो उस गतिशीलता के तहत हम ये पढ़ते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध एक वो है जो संविधान के अंतर्गत दिए हुए हैं। दूसरा तरफ जैसे हमें कहते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के डायनामिक्स के ऊपर चर्चा करें, तब हमें फिर एक पूरा पोर्शन और अलग से तैयार करना पड़ता है कि भारतीय संघवाद कैसा है, भारतीय संघवाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या नहीं है, इस संघात्मक व्यवस्था ये अमेरिका के ज्यादा तुल्य है, कनाडा के ज्यादा तुल्य है या फिर ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा तुल्य है, ये किसके ज्यादा तुल्य है, फिर इसमें परिवर्तन क्या आए हैं, योजना आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है, नीति आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है, किसी भी प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर, या ये कहें कि फिर जो दलीय व्यवस्था है भारत की, जो दलीय व्यवस्था है उससे केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कैसे किया है, या फिर सीधे ही कहें कि जब मोदी जी जब से आए हैं तब से केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है।
तो ये वो डायनामिक्स वाला पोर्शन है जिसमें हम किसी व्यक्ति की चर्चा कर सकते हैं, जब हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम की चर्चा कर सकते हैं, जब हम एक एक विशिष्ट मनोविज्ञान की चर्चा कर सकते हैं और कुछ आर्थिक मुद्दों की चर्चा कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो संविधान में हूबहू वर्णित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। तो इस डायनामिक्स वाला जो मुद्दा है उसके तहत हम ऐसे ही मुद्दे पढ़ते हैं जो संविधान में तो वर्णित नहीं है लेकिन भारतीय राजनीति का संचालन जरूर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि हम कैसे समझें कि भारतीय राजनीति की गतिशीलता है क्या। तो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। भारतीय संविधान में जो जनहित याचिकाएं हैं उनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और सोशल जस्टिस का जो आपसी कोरिलेशन है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पिछले 30-40 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल जस्टिस को लेके, पर्यावरण को लेके, लैंगिक मुद्दों को लेके जिस हिसाब से स्टैंड लिया है, न्यायिक सक्रियता दिखाई है, वो सक्रियता फिर हम डायनामिक्स के तहत पढ़ते हैं। तो आजकल जो नया ट्रेंड आया है उसमें भारतीय संविधान का जो सैद्धांतिक जो पक्ष है उसकी बजाय व्यवहारिक पक्ष है वो ज्यादा हावी हो गया है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा आने लगे हैं। तो ये बड़ा मजेदार मुद्दा है जो भारतीय संविधान की गतिशीलता है। जी सर, भारतीय शासन एवं राजनीति की समकालीन प्रवृत्तियों और मुद्दों की समझ कैसे विकसित की जाए। मैं जो समझता मुद्दा वो किसी एक मिनट, एक घंटा, एक दिन में निश्चित नहीं होता, एक लगातार प्रोसेस चलती है। ये प्रोसेस शुरू होती है आपके विद्यालय से, जब हमें कक्षा 5 और 6 से भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पढ़ाए जाने शुरू करते हैं, जब हम प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं या फिर हम कहते हैं हम प्रतिज्ञा जब बोलते हैं, वहीं से एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। और वो प्रोसेस बढ़ती बढ़ती 9th, 10th, 11th, 12th तक आते आते और ज्यादा हम विकसित कर लेते हैं। फिर हमारी जो समझ विकसित करने का काम हमारे पीयर्स ग्रुप करते हैं, हमारे परिवारजन करते हैं। अब हमारे परिवार का एटमोस्फियर कैसा है, उसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है नहीं होती, होती है तो उसमें फिर जाति का कितना रोल रहता है, धर्म का कितना रोल रहता है। फिर हमारे जो पीयर्स ग्रुप आ जाते हैं, हम किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, वहां कौन सी राजनीतिक बहस होती है, किसका झुकाव किस पार्टी की तरफ है, किसका झुकाव किस प्रेशर ग्रुप की ओर है, ये मुद्दे फिर समझ विकसित करते हैं। फिर हमारी खुद की एक स्वरुचि का भी मैटर आ जाता है। तो फिर जब हमारी स्वरुचि होती है उसके लिए जरूरी है कि हम डेली न्यूज पेपर जरूर देखें, और न्यूज पेपर का भी वो पोर्शन जरूर देखें जिसको हम संपादकीय बोलते हैं। संपादकीय पृष्ठ आप जरूर पढ़ें, उसमें जितने भी लेख आते हैं आप मान के चलिए कि अगर 5 लेख किसी एक संपादकीय पृष्ठ के ऊपर आए तो उसमें से 2 लेख पक्के वो होंगे जिनका संबंध भारतीय राजनीति से होगा, एक का अंतरराष्ट्रीय राजनीति से होगा। तो डेली चाहे आप जनसत्ता पढ़ें, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें, या दैनिक भास्कर में भी अपने ठीक लेख आते हैं, आप संपादकीय उसका जरूर पढ़ें। ये संपादकीय हमारे अंदर राजनीति मुद्दों को लेके, समसामयिक मुद्दों को लेके, हमारे राज शासन के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें हमें सुधार क्या करना है, इनको लेके समझ विकसित करते हैं। दूसरा, मैं एक छोटी सी और इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहूंगा कि आप बहस जरूर सुने जहां भी मौका मिले, चाहे वो यूट्यूब पे चल रही हो, चाहे किसी निष्पक्ष टीवी चैनल के ऊपर चल रही हो, चाहे किसी सेमिनार में जाके जाने का मौका मिले, चाहे किसी भी वक्ता को सुनने का मौका मिले, आप इन बहस को जरूर सुनिए, फिर आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है और मुद्दों की समझ है वो ज्यादा विकसित हो जाएगी। मैं छोटी सी राय दूंगा, एक ऐप है बीबीसी न्यूज, तो बीबीसी न्यूज भारतीय राजनीति के इतिहास को लेके और भारतीय राजनीति के वर्तमान को लेके काफी सारी निष्पक्ष खबरें भी लगाता है, तो उससे भी आप उन मुद्दों की समझ विकसित कर सकते हैं। अगर भारतीय राजनीति का आनंददायक पक्ष देखना हो आपको और डायनामिक्स देखना हो वास्तव में, तो एबीपी न्यूज के ऊपर प्रधानमंत्री के नाम से एक सीरीज है पूरी, लगभग 25 एपिसोड ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के नाम से हैं। तो आप पूरे लगभग 55 और 60 साल का भारतीय राजनीति का जो इतिहास है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो प्रधानमंत्री सीरीज के माध्यम से उसको पूरा समझ सकते हैं। क्या मुद्दे थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी, बहुत अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री सीरीज है, ये आप जरूर देखें। जो भी एस्पायरेंट्स है उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रधानमंत्री सीरीज जो एबीवीपी चैनल के ऊपर उपलब्ध है, यूट्यूब पे लगभग 25 एपिसोड है, ये जरूर देखें अगर आपको भारतीय राजनीति मुद्दों की समझ विकसित करनी है तो। जी सर,
सही बात है सर कि कई बार पुस्तकें पढ़ने से सर इतना समझ में नहीं आता जितना आप किसी प्रोग्राम को देखते हैं उससे आपको समझ में आता है। जी ये जैसे सर आज आप जो भी बातें बता रहे हैं, बुक्स का सजेशन आपने बताया कैसे तैयारी की जाए, तो हमारे जो भी प्रतियोगी हैं निसंदेह इनसे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे क्योंकि जी उनको एक नई जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि सर हमें कई बार एक भ्रम रहता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, जैसे हम लोग सिर्फ किताब पढ़े जा रहे हैं तो कई बार ये होता है कि प्रॉपर अगर आपको कोई गाइड मिल जाती है या एक मार्गदर्शन मिल जाता है तो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल हमारा ये जो कार्यक्रम है इसका भी एक यही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे साथी हैं, इन जी कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी लाइफ में भी कैसा टर्निंग पॉइंट आए, उनके लिए भी कोई एक बिंदु ऐसा यूजफुल हो कि वो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो बन जाए, ताकि वो भी सर एक जिंदगी में सफलता का एक मुकाम हासिल कर ले। तो सर कोशिश यही है और आप जितना अच्छे तरीके से और सहज भाव से सर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे युवाओं का, ये सर बहुत ही निसंदेह सबको बहुत लाभ हो रहा होगा। सर हम अब बात करते हैं कि भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन के लिए बहुत ही केंद्रीय टॉपिक बनते जा रहे जी हैं। यानी अपन कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करो। तो सर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी सर आप जानकारी दें। जी मैम, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनमें विशेष करके जो भारतीय संघवाद की जो नवीन प्रवृत्तियां आई है, जी केंद्र सर और राज्य संबंधों की जो नवीन प्रवृत्तियां आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। केंद्र राज्य संबंधों के अलावा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक नया कंसेप्ट आया है। 1990 के बाद जब यूएसएसआर और यूएसए के मध्य कोल्ड वॉर का अंत हो गया, जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया और हमने ये कह दिया कि अब विश्व से साम्यवाद की विदाई हो गई है, और जैसा कि फ्रांसिस फुकुयामा ने, जो बहुत बड़े विद्वान हैं अमेरिका में, उन्होंने ये कहा कि अब एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। तो अब जो लहर चली उसके बाद भूमंडलीकरण की, उदारीकरण की, निजीकरण की, जिसके लिए हम बोलते हैं कि एलपीजी की लहर है, उसके बाद से 1990 के बाद से एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डेवलप हुई, एक नया पॉलिटिकल कंसेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। उससे पहले जो पॉलिटिक्स चला करती थी वो आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स थी, वो विचारधाराओं पर केंद्रित पॉलिटिक्स थी, जिसमें हम कहते थे, मैं कहता था मैं रूढ़िवादी हूं, मैं कहता था मैं साम्यवादी हूं, आप कहते थे ना मैं तो पूंजीवादी हूं। अब ये मुद्दे अब 1990 के बाद बंद हो गए। अब आपकी जो आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी वो खत्म हो गई थी, अब आइडेंटिटी के नए स्वरूप पैदा हो गए। पहचान की राजनीति हमेशा से ही केंद्रीय मुद्दा रहा था, लेकिन 90 के बाद विचारधारा की पहचान चली गई है और पहचान नए रूप में आ गई। वो पहचान लैंगिक रूप में आ गई है, नारीवाद बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके बाद अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम भारत में देखें तो ये जेंडर पॉलिटिक्स जो चल रही है, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, संसद में महिला आरक्षण को लेके हो, या विभिन्न मुद्दों को लेके हो, अल्पसंख्यकों के कल्याण के जो मुद्दे हैं, दलितों आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, हम जो पूरा किसान आंदोलन देख रहे हैं, ये भी इसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है। क्योंकि किसान अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, उसी पहचान को जिंदा करने के लिए अभी ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अभी वर्तमान में जो करंट के जो टॉपिक्स हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चारों ओर केंद्रित हो गए हैं। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के तहत चाहे आप हिंदूवाद करें, चाहे आप मुस्लिमवाद करें, अल्पसंख्यकवाद करें, जातिवाद करें, क्षेत्रवाद करें, धर्मवाद करें, इसके भांति भांति के रूप है। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मुद्दा है, ये बहुत ज्यादा हावी हो गया है वर्तमान भारतीय राजनीति के ऊपर भी, और जो हमारा जो पेपर का जो पैटर्न है वो भी उसी हिसाब से चेंज हो गया है आजकल, कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखें और क्या महत्वपूर्ण हो गया है, एक नई शब्दावली आई है कि कभी हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा करते थे, आजकल हम सिविल सोसाइटीज के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, नागरिक समाज के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। बहुत पहले ये कंसेप्ट हेगल देखे गए थे, लेकिन हेगल के बाद ये कंसेप्ट फिर गायब हो गया। पिछले 40-50 साल में सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट फिर डेवलप हुआ है, न्यू सोशल मूवमेंट्स का एक नया कंसेप्ट आया है पॉलिटिकल साइंस में, और इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आजकल क्वेश्चंस हैं वो आने लगे हैं। ये तो ये चार पांच ऐसे टॉपिक हैं, तो इस भारतीय संघवाद की गतिशीलता हो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो, सिविल सोसाइटीज के मुद्दे हो, या फिर जो एनजीओज हैं उनके मुद्दे हो, या न्यू सोशल मूवमेंट्स हो जिनको अपन नव सामाजिक आंदोलन बोलते हैं, उनका संबंध चाहे नारियों से हो,
चाहे फिर पर्यावरणीय मुद्दों से हो, चाहे दलितों से हो, चाहे किसानों से हो, चाहे पिछड़ों से हो, ये सारे जो मूवमेंट्स है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और वर्तमान में इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इनकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा था ये समसामयिक मुद्दे हैं जिन पर आप जरूर ध्यान दें। सर, एक सामान्य सी जिज्ञासा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि स्पेशली हम बात करें कि आईएएस आरएएस या कॉलेज प्रोफेसर के लिए कितना जी 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 परसेंटेज जो रेशो होता है सर वो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों का होता है? मैं बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा ये ना, हम डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के जो आरएएस आईएएस और कॉलेज लेक्चर के एग्जाम है उनकी चर्चा कर सकते हैं। अगर अपन आईएएस की चर्चा करें तो आईएएस में प्री का जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन आए, उस 100 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन है, यानी मेजर पोर्शन हो गया, 100 में से 20 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं। उसमें से 7-8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, जो करंट के मुद्दे हैं उनसे आते हैं, और 13 या 14 क्वेश्चन हैं या बाकी बच गए जो क्वेश्चन 7-8 के बाद, वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा आईएएस प्री में इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं कि आरएएस का जो प्री है उसमें इसका वेटेज कितना का रहता है, तो मुझे ये क्योंकि मैं सब्जेक्ट का हूँ तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सबसे बड़ा जो पोर्शन जो आर एस प्री में आता है वो इंडियन पॉलिटी का ही आता है, और इसी इंडियन पॉलिटी के तहत राजस्थान पॉलिटी को भी हम शामिल कर लेते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और इस यहाँ की मंत्रिपरिषद को और विधानसभा को भी शामिल कर लेते हैं। तो लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन, पिछली बार शायद 27 क्वेश्चन आए थे, यानी 150 में से 27 क्वेश्चन, और सबसे बड़ा पोर्शन मैं कहूंगा या सबसे बड़ा जो रेशियो है वो इंडियन पॉलिटी का ही रहता है, तो 27 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मेंस की चर्चा करूं तो मैं पूरा एक ये जीएस थर्ड का पूरा एक पेपर चलता है आईएएस के अंदर, जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, सोशल जस्टिस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें इंडियन पॉलिटी है, और उसमें आईआर है। तो अगर मैं आईआर को निकाल दूं, 200 नंबर का एक पूरा पेपर है आईएएस के अंदर, उसमें आईआर को इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन को अगर मैं निकाल दूं तो लगभग 60 क्वेश्चन, 60 नंबर का ये निकालने के बाद 140 नंबर का जो पोर्शन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और सोशल जस्टिस में से आता है। तो बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है भारतीय संविधान और राजनीति आईएएस के मेंस में भी, और इतना ही बड़ा रोल ये भारतीय शासन और राजनीति तब अदा करती है जब आपको आरएस बनना होता है। आरएस का जो एक पेपर है वो भी जीएस थर्ड है, उसमें 70 नंबर का एक पोर्शन आता है इंडियन पॉलिटी और आईआर का, इंडियन पॉलिटी आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन का, उसमें से 40 नंबर का इंडियन पॉलिटी आता है। उसके बाद पब्लिक एड का 70 नंबर का और है लोक प्रशासन, वो लोक प्रशासन भी किसी न किसी रूप में भारतीय राजव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो हम ये माने कि 70 नंबर वो और 40 ये, 110 नंबर का बहुत बड़ा एक पोर्शन आता है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आरएएस में भी। तो मैंने कहा कि अगर आपको आरएएस और आईएएस बनना हो आप तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक कि आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे जो मुझे भी प्यारा है और आप जब देख रहे हैं आपको भी प्यारा है, वो आपको पढ़ना ही होगा अगर आपको आईएएस और आरएएस बनना है, इस पद पे आना है। मैं अगर कॉलेज लेक्चरर की चर्चा करूं कि कॉलेज लेक्चरर में जो पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा सब्जेक्ट है तो उसमें इंडियन पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, तो जो नई पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू करते हैं वो ये सोचते हैं कि राजनीति विज्ञान का तात्पर्य है भारतीय संविधान। तो पहले तो मैं जो भी देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि राजनीति विज्ञान का तात्पर्य भारतीय संविधान नहीं होता। राजनीति विज्ञान का एक पांच बड़े बड़े अगर हम पार्ट्स कर लें तो उसका एक पार्ट है वो है भारतीय संविधान। तो कॉलेज लेक्चर की 10 यूनिट है, 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसमें से हर एक पेपर में 5 यूनिट है, पेपर फर्स्ट में भी 5 यूनिट है, पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट है। तो पेपर फर्स्ट की 1 यूनिट और पेपर सेकंड की 1 यूनिट, यानी 2 यूनिट असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस आरएपीएससी में उसका रिलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो संस्थाएं हैं इंस्टीट्यूशन है उनसे, और भारतीय राजनीति की प्रक्रिया और गतिशीलता से संबंधित है।
तो पूरा 160 क्वेश्चन आएंगे। 300 क्वेश्चंस में से जो पॉलिटिकल साइंस से आने वाले हैं उसमें से 60 क्वेश्चंस हैं वो इंडियन पॉलिटी से आने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और आपका अगर ये पोर्शन तैयार नहीं है तो आप नहीं बन सकते। इंडियन पॉलिटी तैयार कर लेते हैं अधिकांश, या ये कहें कि भारतीय संविधान वाला पोर्शन तैयार हो जाता है, लेकिन तैयार क्या नहीं होता, जो डायनामिक्स वाला पोर्शन है, प्रोसेस वाला पोर्शन है, वो आमतौर पर तैयार नहीं हो पाता। तो मैं जितने भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो भी मेरे साथी, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको इसमें अपना सिलेक्शन श्योर करना है तो पेपर फर्स्ट का जो चौथी यूनिट है वो तो आप लगभग सबकी तैयार है, लेकिन पेपर सेकंड की जो चौथी यूनिट है, प्रोसेस एंड डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वो आप जरूर तैयार करके जाएं। अगर हम टोटल 10 यूनिट देखें पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, तो सबसे छोटी और मजेदार जो यूनिट है जिसमें से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं वो प्रोसेस और डायनामिक्स वाली है, तो आप वो जरूर तैयार करके जाएं। हालांकि उसमें बहुत सारे टॉपिक नए जुड़े हैं लेकिन अब उपलब्ध हो जाते हैं, अगर आप थोड़े से प्रयास करें तो हर जगह उपलब्ध भी है। ये था मैं। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और आज हमारे सेशन में तो बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, उन्होंने जी YouTube चैट बॉक्स के माध्यम से सर बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो सर, अब हम जी उन जी सवालों को आपके सामने रखते हैं। हमारे जो ठीक पांच है सवाल हैं, आज के जो पांच सवाल है सर, तो मैं पहला सवाल आपके सामने रख रही हूँ। ये भव्य यादव ने सवाल किया है कि राजनीतिक गतिशीलता में सिविल मूवमेंट को किस तरह जोड़कर देखा जा सकता है। अगर हम राजनीतिक गतिशीलता में, अगर हम सिविल मूवमेंट्स, अपर सिविल मूवमेंट्स नहीं बोलते, हम ये कहें कि सिविल सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले सोशल मूवमेंट्स, तो मैंने उनका क्वेश्चन सही कर दिया है। सिविल सोसाइटी, मैंने कहा था मैम कि वर्तमान में बहुत ज्यादा बर्निंग इश्यू है, और विशेष करके बर्निंग इश्यू तब से बना है जब से अरुणा राय ने RTI का एक पूरा मूवमेंट चलाया था, राइट टू इंफॉर्मेशन का। तब से सिविल सोसाइटी का शब्द प्रत्येक भारतीय की जुबान के ऊपर आया। उसके बाद तो ये मेधा पाटकर हो, और चाहे अन्ना हजारे हो, अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार के विरोध को लेके, लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्तियों को लेके जो पूरा एक आंदोलन चला था, वो भी एक सिविल सोसाइटी का मूवमेंट था जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। इन आंदोलन को हम न्यू सोशल मूवमेंट्स बोलते हैं। तो सिविल सोसाइटी सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर रह के लोगों का वो समूह होता है जो आम आदमी से जुड़े मुद्दों के लिए संघर्ष करता है बिना किसी लाभ और लालच के, चाहे वो आंदोलन अन्ना हजारे ने किया हो, चाहे वो आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने किया हो भ्रष्टाचार के विरोध में। तो ये है नागरिक समाज के आंदोलन। खुशी गौतम ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस विषय पर NCERT की जो पुस्तक है वो कितनी लाभप्रद है। जब मैंने चर्चा की थी, मैं ये कह दूं कि ये कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत में गलती रह गई। जी। अगर आप चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इन फ्यूचर देखेंगे, कि NCERT की क्लास 12th की दो किताबें चलती है, वो किताबें आप जरूर पढ़ लें। क्लास 12th की NCERT की पुस्तकें बहुत ज्यादा उपयोगी है। वो आप कोई भी एग्जाम देंगे उनसे रिलेटेड उस पुस्तकों में से क्वेश्चन आते जरूर है। वो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति के ऊपर है, और एक कंटेम्पररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत ही मजेदार पुस्तकें हैं। आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि शायद मेरी जिंदगी में ऐसी अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ी। इतने सारे उदाहरणों के साथ, चित्रों के साथ और डायग्राम के साथ वो पुस्तकें लिखी गई है कि आनंद की अनुभूति है। अगर आप जरूर पढ़े उसको, आप जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो NCERT की 12th की पॉलिटिकल साइंस की दोनों पुस्तकें पढ़े आप। आज की चर्चा हुई और जो युवाओं ने जो सवाल पूछे हैं, दीपक पूजन, अमिषा शर्मा, हरिशंकर सर, सभी ने वो सवाल पूछे हैं जो हमारी चर्चा में आ चुके हैं और जिनके बारे में सर आप अपनी जानकारी दे चुके हैं। सर, अब आप जाते जाते हमारे युवाओं को एक छोटा सा संदेश और देते जाइए। मेरा जो संदेश है, मैं
पर्सन मीना कुमारी को बड़ा पसंद करता हूँ। तो मीना कुमारी ने एक केवल बेहद अच्छी अदाकारा थी, बल्कि वो बहुत अच्छी शायर भी थी। तो उनका एक शेर है कि रफ्ता रफ्ता दिन बीता, रफ्ता रफ्ता दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। रफ्ता रफ्ता दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जिसका जितना बहुत आंचल था उतनी ही सौगात। तो जितने भी मेरे सुंदर भाई जो मेरे साथियों ने इसको देखा, उनसे यही निवेदन है, अपना अपना आंचल फैलाएंगे, आपको सौगात उतनी ही बड़ी मिलेगी। आप बड़े सपने देखिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, हर वो चीज जो तो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपका आपका बस आंसर छोटा मत कीजिए आप अपना। जी सर, थैंक यू सर। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे युवाओं को भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति की गतिशीलता के विषय में जो जानकारी दी है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू।